कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अलग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अलग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अलग, कर्ता ने कर्म को धीरे धीरे बोलना, कर्ता ने कर्म को कर ओ तो धीरे धीरे ए फल आलू का पराठा बी फल फल मम्मी यार इसको देख लो ना, धीरे धीरे बोलना वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कर्ता ने कर्म को ओए क्या बोला? सॉरी भैया। क्या बोला? सॉरी भैया अब नहीं बोलूंगा। बोल। ए फॉर आटा, बी फॉर आटा, सी फॉर चट्टा। ओ ये तो बड़ी सही चीज है। ए फॉर आटा, बी फॉर आटा, सी फॉर चट्टा। हेलो श्वेता, तूने कुछ पढ़ा क्या यार? नहीं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सुबह से घर के काम कर रही हूँ, कभी झाड़ू कभी पोछा कभी बर्तन, और देखना अभी डिनर भी बनाना है। अच्छा मुझे तो यार प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के नोट्स चाहिए थे, सोचा तुझसे पूछ लूँ। नोट्स? नहीं नहीं नोट्स तो मेरे पास किसी भी चैप्टर के नहीं है, पता नहीं यार मैं कैसे पढ़ूंगी, समझ ही नहीं आ रहा, ना बुक मिल रही ना टाइम मिल रहा, ऊपर से घर वाले ये काम कर दे वो काम कर दे, नहीं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी यार। चल बाय बाय, मेरे को ना छोंका भी लगाना है अभी। यार अब तो पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर अभी नहीं पढ़ा ना तो मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, और फिर रोज डिनर में पापा की बेल्ट और माँ के ताने सुनने को मिलेंगे। ओए माँ। एक काम करता हूँ, प्रिया को फोन करता हूँ, उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगे, उसको पढ़ के तो 33 नंबर आ ही जाएंगे। हेलो रिया। हाय। हाँ मैं बढ़िया। अच्छा मेरे को ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। हाँ रुक मैं पेन पेपर लेकर आ रहा हूँ। हाँ 2 hours later। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम्हारी शक्ल तो एकदम कैटरीना से मिलती है, और तुम्हारी आवाज़ तो एकदम मधुबाला जैसी है। अच्छा सुनो ना, एग्ज़ाम के बाद मिलें। हाँ अच्छा बेबी एक किसी तो दे दो, मास्क उतार के देना। आई लव यू मेरा बाबू। चलो यार फाइनली मेरी एग्जाम्स की सारी तैयारी हो गई, अब बस मेरे को चाहिए स्टेशनरीज, ये मेरा पेन, लेकिन अगर ये पेन खराब हो गया तो एक्स्ट्रा पेन, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पेन भी खराब हो गया तो एक्स्ट्रा पेन के लिए एक्स्ट्रा पेन, ये मेरा स्टेपलर, ये मेरा ब्रश, ये मेरी कैची, लेकिन अगर इसकी धार खत्म हो गई तो एक्स्ट्रा कैची, ये मेरे कलर्स, एग्जाम में फोन तो अलाउड होता नहीं है पर फोन के कवर्स तो लेके जा सकते हैं, कि मेरा च्यवनप्राश, ये इंच टेप, एग्जामिनेशन हॉल में पानी पीने गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पानी ही साथ ले जाती हूँ, और ये गया थोड़ा और सामान। एक मिनट, अगर ये सब भी फेल हो गया तो तब तो भगवान ही बचा सकते हैं मुझे, तो फिर गणपति बापा मोरिया। ओए माँ। हाँ भाई। हेलो गुड्डू, पेज नंबर 24 पे जो चैप्टर 5 का नहीं है उसका फर्स्ट एग्जांपल समझा दे, तूने तो सब पढ़ लिया होगा यार। पढ़ाई? अबे पढ़ाई गई तेल लेने, तेरे भाई ने सेटिंग बिठा रखी है। अबे भाई सबसे ज्यादा एग्जाम में ना मेरे नंबर आएंगे। सेटिंग कैसी? जैसा जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा वैसा कर। पेज नंबर 24 खोल। अब ये जो पन्ना है ना इसको फाड़ ले, इसको 12 बार फोल्ड कर और उसे मोजे में डाल ले। ले बेटे तेरा 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार, और फिर जब टीचर बिजी हो जाए ना चाय पानी में फिर चुपचाप से निकाल और चेप दे। अबे बेटे मैं बता रहा हूँ सेट है मामला। ठीक है भाई डन है डन। अभी पेज नंबर 24 ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पेज नंबर 1 से लेकर 24 तू बना ले, उसके बाद 25 से 50 मैं बना लूंगा, दोनों भाई सीन बैठा देंगे एग्जाम में। हाँ और हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जैसी दो बार खासूंगा ना तुरंत मेरी तरफ देख लियो, फिर जो मैं फर्रा बोलूँ वो पकड़ा दियो, लेकिन बेटा अगर तूने कोई चालबाजी करी ना एग्जाम के बाद देर लाते देख उधर मारूंगा। फाइनली मेरी हो गई 411वीं बार रिवीजन। ओ माय गॉड 6 बज गए, अब तक सिर्फ 411वीं बार ही रिवाइज हुआ है यार, ऐसे तो पिंकी टॉप कर लेगी। एक काम करती हूँ 10 बजे तक 1700 बार रिवाइज कर लेती हूँ,
उसके बाद अगर कमी लगी तो सुबह तक का तो टाइम है ही। जी पढ़ना शुरू करते हैं। 6 बज रहे हैं। अगर मैंने 10 बजे तक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लिए ना तो मेरे तो 33 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। एक मिनट, 6:05 हो गए होंगे अब तक तो। ये तो शुभ मुहूर्त भी नहीं है। 7 बजे से पढ़ने बैठते हैं। 1 hour later। ओह शिट शिट शिट, 7 बज गए, पढ़ाई शुरू करो। 1 मिनट, कुछ खा लूं? खामा खा बीच पढ़ाई के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगा, खा लेता हूं। अब जब तक खा रहा हूं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेता हूं। ओ यार डॉक्टर गुलाटी बेस्ट है यार। ओ बेटे, रागनी MMS 6 का ट्रेलर आ गया। A few moments later. अरे भैंस की आप पढ़ाई कर लो। फेल हो गया ना तो पापा मेरे को अपनी जूते की दुकान में लगवा देंगे और फिर मैं ना वो लड़का बन जाऊंगा जिसका ना कोई चेहरा होता है ना असेट होता है, बस ऊपर छोटे से छेद में से जूता फेंकता है। रे छोटू, 7 नंबर का जूता फेंक। नहीं यार ये थोड़ी करना है। अबे यार नींद क्यों आ रही है? नहा लूं, फ्रेश फील करूंगा, नहा लेता हूं। 2 hours। अबे यार 12 बज गए, अब क्या ही पढ़ूंगा? आगे वाली सीट पे चौहान बैठा है, पीछे वाली सीट पे गुप्ता बैठा है, तो इतना तो दिखाई देंगे कि 33 नंबर आ जाएंगे। सो जाता हूँ।